क्या आप भी अपने फोन के डायलर में लॉक को सेट करना चाहते हैं ताकि बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके डायलर का यूज ना कर सके? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूं, और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। फोन के डायलर में लॉक सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऐप लॉक का ऑप्शन यहाँ नहीं मिले तो आपको ऊपर सर्च सेटिंग्स पर क्लिक करके ऐप लॉक लिखकर सर्च करना है। ऐप लॉक लिखकर सर्च करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको बता दें, मेरा मोबाइल एमआई का है, इसलिए ये ऐप लॉक का ऑप्शन सिंपल सर्च में मिल गया। हो सकता है आपका मोबाइल किसी दूसरे कंपनी का हो और ये ऑप्शन कहीं और देखने को मिले, इसलिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में ऐप लॉक के ऑप्शन को खोज लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करते ही आपको यहां से लॉक लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहां से अपने पैटर्न को डाल देना है, जो भी पैटर्न आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर से आपको उसी पैटर्न को डालना है। दो बार सेम पैटर्न को डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन सिलेक्ट मिलेगा, बट आपको यहाँ से सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट कर देना है। सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यूज ऐप लॉक पर क्लिक करते ही आपके डायलर में लॉक सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं मेरे डायलर में लॉक सेट हुआ है या नहीं। अब हम अपने डायलर को ओपन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायलर को ओपन करते ही यहाँ से लॉक मांगा जा रहा है। तो चलिए हम अपने पैटर्न को डाल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, पैटर्न को डालते ही मेरा डायलर ओपन हो चुका है। इसी तरह से आसानी से आप अपने डायलर में लॉक सेट कर सकते हैं।